माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज मैं एक और नया डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। टू रो का डिज़ाइन है और ये एजेंट्स के स्वेटर में बहुत ही अच्छा है। बारीक बारीक डिज़ाइन है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। इस डिज़ाइन को डालने के लिए हमने 4K मल्टीपल फंदे लेने हैं और एक फंदा एक्स्ट्रा लेना है। 4 से गुणा होने वाले फंदे लेने हैं और एक फंदा एक्स्ट्रा लेना है, जितने भी आपने अपने कार्डिगन में फंदे डालने हो। तो 4 से गुणा होने वाले फंदे डाल के एक फंदा एक्स्ट्रा लेना है, तो फिर हमारा पैटर्न इसमें अच्छे से आ जाएगा। तो सीधी साइड से देखिए, पहली रो यहाँ पे मैंने ऐसे ही बॉर्डर के इसमें बनाया हुआ है छोटा सा। तो चलिए सीधी साइड से स्टार्ट करेंगे। पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी तरफ किया, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 ये 3, 3 फंदे उल्टे, धागा नीचे करेंगे, एक फंदा सीधा। तो हम यही पूरी रो में रिपीट करते जाएंगे, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है और बहुत ही अच्छा बन के आता है ये पैटर्न। 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से धागा घुमाते जाएंगे, 3 फंदे उल्टे, 3, धागा नीचे करेंगे, एक फंदा सीधा, अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे उल्टे, धागा नीचे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर से धागा ऊपर करेंगे, 2 और ये 3, 3 फंदे उल्टे, धागा नीचे किया, एक फंदा सीधा, फिर से देखिए, 3 फंदे उल्टे, और ये देखिए लास्ट का एज स्टिच है, इसको हम सीधा बुन लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से हम पूरी रो अपनी कंप्लीट करेंगे। 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। मैंने यहाँ पे 32 फंदे 4 से गुणा होके डाले हैं और एक फंदा एक्स्ट्रा डाला है। तो उल्टी साइड से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमने उल्टी साइड सीधी साइड से 3 फंदे उल्टे बनाए थे, इनको हम सीधी साइड उल्टी साइड से 3 का 1 कर देंगे। ये देखिए, 3 फंदे एक साथ इकट्ठा बुन दिए हमने, और जो एक फंदा सीधा बुना था इसको हम, ये देखिए, एक बार बुना, इसके 3 फंदे बना देंगे। धागा नीचे किया, एक बार फिर से बुना, एक बार धागा ऊपर किया, एक बार फिर से बुना, 1 के 3 बना दिए और 3 का 1। फिर से देखिए, आगे 3 फंदे हैं जो उल्टे बनाए थे सीधी साइड से, इन सब का हम 3 फंदों को 1 कर देंगे। और यहाँ पे एक फंदे का 3 फंदे बनाएंगे इस तरह से, और एक बार ऊपर की तरफ घुमाएंगे, 3 बार एक फंदे को बुनेंगे। फिर से देखिए, आगे जो 3 फंदे हैं इनको एक साथ इकट्ठा बुन लेंगे और छोड़ देंगे, और जो एक फंदा है इसको एक बार बुना, धागा नीचे किया, एक बार नीचे की तरफ बुनेंगे, धागा ऊपर किया, एक बार ऊपर की तरफ बुनेंगे, और आगे के 3 फंदे जो हैं इनको उल्टी तरफ को ही, तीनों को इकट्ठा बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और ये 3 फंदों का हम एक फंदे के 3 फंदे बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से उल्टी रो हम अपनी पूरी कंप्लीट कर लेंगे। 3 फंदों के 1 कर देंगे और एक फंदे के 3 कर देंगे। ये देखिए, यही 2 रो है इस डिज़ाइन में। ये देखिए, आगे के 3 फंदे हैं जिनको हमने उल्टी सीधी तरफ से उल्टा बुना था, उन तीनों को एक साथ इकट्ठा बुन लेंगे, और जो सिंगल फंदा बुना था सीधा उसके हम 3 फंदे बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से, आगे के 3 फंदे फिर से इकट्ठा उल्टे बुने, और सीधे फंदे के 3 फंदे बना लेंगे, 1 2 और ये 3। ये देखिए, आगे के 3 फंदे इनको हम फिर से इकट्ठा बना लेंगे। ये देखिए, और एज का फंदा,
हमारा उल्टा बुन लेंगे उल्टी तरफ से। ये देखिए अब हमारा यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमने 3 का 1 किया है उसको हम सीधा बना लेंगे तीसरी रो में देखिए, और जो 3 फंदे 1 के 3 बनाए हैं उसको हम उल्टा फंदा बना लेंगे, उल्टे 3 फंदे बना लेंगे। ये देखिए धागा नीचे करेंगे, 1 फंदा सीधा, वैसे ही हमारा पैटर्न चलता रहेगा। जो 3 फंदे बनाए हैं उसका तीनों को उल्टा बना देंगे और 1 फंदा सीधा बना देंगे, जो हमने 3 फंदे इकट्ठा बुने हैं। ये देखिए इस तरह से 3 फंदे उल्टे 1 फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे 1 फंदा सीधा। ये थर्ड रो है फ्रेंड्स हमारे डिजाइन की, 3 फंदे उल्टे और 1 फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे 1 फंदा सीधा। तो इसी तरह से हम अपना पैटर्न रिपीट करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको फिर बुन के बताती हूँ कि किस तरह से हमारा पैटर्न बन के आ रहा है। उल्टी तरफ से हम फिर से वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने पिछली रो को बुना था। एज का फंदा है इसको भी हम सीधा बना लेंगे। ये देखिए अब आ जाइए उल्टी तरफ, चौथी रो, चौथी रो को भी हम इसी तरह से बना लेंगे, धागा अपनी तरफ ही रहने देंगे। ये देखिए पहला फंदा सीधा है तो इसके हम 3 फंदे बनाएंगे इस तरह से, 1 के 3 बना लिए और धागा ऊपर ही रहने देंगे। जो 3 फंदे हैं उनका हम 1 फंदा बना लेंगे, 1 फंदे के 3 बना लिए, 3 फंदों का 1 बनाया इस तरह से। अब देखिए इसके हम 3 बना लेंगे। इसी तरह से हम सारी उल्टी तरफ की सिलाइयां इसी तरह से बनाएंगे। तो थोड़ा सा ऊपर बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमारा पैटर्न बन के आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारा पैटर्न बना है, यही 2 रो रिपीट करके। तो बहुत ही अच्छा बारीक बारीक, ये देखिए बहुत ही अच्छा आया है बन के ये, और इसको हम किसी भी कार्डिगन में डाल सकते हैं। अगर आपको प्लीज़ मेरा चैनल अच्छा मेरा डिज़ाइन अच्छा लगे और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ये देखिए इस तरह से ये सीधी साइड से है, थोड़ा तिरछा तिरछा है ये पैटर्न। ये देखिए जब पूरा कार्डिगन बनेगा तो बहुत ही सुंदर लगेगा, जेंट स्वेटर में भी बहुत अच्छा लगेगा ये। ये देखिए और उल्टी साइड से इस तरह से है, ये देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ एक और नए डिजाइन के साथ, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।